बहुत बढ़िया, बहुत बहुत ही शानदार सुदीप भोला जी ने सुनाया। मैं ऐसा किंवदंतियों में कुमार विश्वास जी जैसे बड़े कवियों से सुनता था कि अटल बिहारी वाजपेयी जब कवि सम्मेलनों में सुनने के लिए जाते थे तो उनकी आलोचना होती थी तो ठहाका मार के हंसते थे, ताली बजा करके दाद देते थे। आज मैंने एक मुख्यमंत्री भी ऐसा देखे कि जो आलोचना हुई तो भी खुश थे, तारीफ हुई तो भी खुश थे। लोकतंत्र स्वस्थ है कम से कम छत्तीसगढ़ में, मैं दावे से कह सकता हूँ। ये अच्छी बात बोलना चाहिए आदमी। भैया हमको सुना, देखिए किसान का सुनाया हम महाराज, बताएं आपको, हमारे सर सुना रहे हैं, हमारे यहाँ जब हुआ चुनाव हो गया, लोग जीत गए, तो एक नेता जी हमारे गांव में गए, हमारे दादाजी खेत में काम कर रहे थे। अच्छा। तो नेताजी ने मेरे दादाजी से बोला कि और किसान जी कैसी है आपकी गन्ने की फसल, तो मेरे दादाजी ने नेताजी के पैर पकड़ लिए, बोले कल ही अभी हम शपथ खाए हैं, टीवी पे भी नहीं आया है, तुमको कैसे मालूम पड़ा कि हम ही कृषि मंत्री हैं? तो मेरे दादाजी ने कहा बेटा जब तुमने गेहूं की फसल को गन्ने की फसल बताई तब भी हम समझ गए हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री आप ही हो सकते हैं, इसके नीचे का पद नहीं मिल सकता आपको भाई साहब। हम व्यंग करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कबीर को जिंदा रखिए। एक फकीर रस्ते पे सोया था, बगल के एक फकीर ने कहा उठ खड़ा हो जा, बोला क्यों खड़ा हो जाऊं, बोला इस रस्ते से सिकंदर गुजरने वाला है। फकीर ने बोला कौन है सिकंदर, बोले जो आधी दुनिया जीत चुका, आधी दुनिया जीतने निकला है। फकीर बोला नहीं खड़ा होता, बोला क्यों, फकीर के जवाब पर जरा छत्तीसगढ़ जवान हो जाना। फकीर ने कहा वो आधी दुनिया जीत चुका, आधा दुनिया जीतने निकला है, मैं फकीर हूं, आधी दुनिया छोड़ चुका हूं, आधी छोड़ने निकला हूं। छोड़ने की हिम्मत रखिए। और जब मैं डॉक्टर कुमार विश्वास को यह कहानी सुनाई तो उन्होंने कहा इसमें मेरे लिए दो लाइन जोड़ ले, मैं आधी दुनिया लूट चुका हूं, क्या सर। आप दो काम करके जाइएगा मुख्यमंत्री जी, हमारी बीवी बोल रही थी सही हम तुमको मुख्यमंत्री लोग सुनते हैं, तुमको घर में बच्चा नहीं सुनता है, बीवी नहीं सुनती है, माँ नहीं सुनती है, मुख्यमंत्री कैसे सुन लेंगे। मैंने कहा बीवी बच्चे और माँ होशियार होते हैं। बहुत अच्छे, हमारे दिनेश बाबा देखिए, मुझे पता नहीं कि डॉक्टर कौन सी गोली देगा कि आप स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन ये कवि का खानदान है, दो घंटे में ऐसा जरूर कुछ आएगा कि आप 20 साल तक स्वस्थ रहेंगे, उसका मुआवजा आप हमें नहीं दे सकते, सिर्फ आशीर्वाद दे सकते हैं। इसलिए हमारे साथ फोटो खिंचाइएगा कि मेरी बीवी को लगे कि मेरा ढंग का पति है। सही बताते हैं हम आपको, लेकिन मैं उस जादूगर को बुलाना चाहता हूं। किस जादूगर को, जब वो शख्स बोलता है तो उसके भीतर मगहर का कबीर होता है, जब वो शख्स गाता है तो उसके भीतर माँ मीरा होती हैं, जब वो शख्स राम कथा कहता है तो उसके भीतर एक तुलसीदास विराजित होते हैं। ये कम तालियां हैं मेरे लाल, मैं डॉक्टर कुमार विश्वास जैसे जादूगर को बुलाऊं, ये भीड़ ये बताए। देखिए सर मेरा चेहरा अरविंद केजरीवाल से मिलता जुलता है, मैंने आपको बताया था, लेकिन एक अंतर मेरे अरविंद केजरीवाल में है ब्रिजमोहन भैया, वो अंतर यह है कि अरविंद केजरीवाल घर के बाहर झाड़ू लगाते हैं और ब्रिजमोहन भैया आपकी ताली बता रही कि घर में आपकी भी हालत ठीक नहीं है। मित्र सुनिएगा भैया, क्योंकि हम भैया बोल के सुना रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी संवैधानिक के बड़े पद पर हैं इसलिए उन्हें माननीय लगा के सुना रहे हैं, लेकिन ये मेरा कबीर का खानदान, तुलसी का खानदान, रसखान का, रहीम का खानदान, एक जादूगर आपने बुलाया है, उस जादूगर आज की रात ऐसे शब्दों की वर्षा करेगा कि कई रात आपका बिस्तर खुशबुओं से महक उठेगा। जरा बुलाने के लिए एक बार हाथ उठा करके जोरदार तालियों से बुलाइए डॉक्टर कुमार। बहुत अच्छे, हाँ,
बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।